नमस्कार, आप जुड़ चुके दैनिक स्टेट समाचार के साथ। मैं इस समय बाड़ी ब्रह्मणा के प्रमंडल मोड़ पर हूं, जहां पर देर रात श्रीनगर से पंजाब की ओर जा रहा सेब का ट्रक ब्रेक फेल होने के कारण यहां पर पलट गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें स्टेट समाचार के माध्यम से इस वक्त लाइव प्रमंडल मोड़ से। यहां पर सेब का जो ट्रक है वो देर रात ब्रेक फेल होने के कारण पलट गया था, जिसको ट्रैफिक विभाग द्वारा जेसीबी क्रेन के साथ उठाकर साइड में लाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पीछे नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग पिछले आधे घंटे से बिल्कुल यातायात बंद कर दिया गया है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ट्रक को उठाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जेसीबी और क्रेन द्वारा। आप देख सकते हैं तस्वीरें लाइव। ट्रैफिक विभाग से बात करने पर बताया कि ये जो सेब का ट्रक था, ये तड़के सुबह 7-8 के बीच यहाँ पर ब्रेक फेल होने के कारण पलट गया। आप देख सकते हैं ये सेब का ट्रक था जो यहाँ पर पलटा है, पूरा का पूरा सेब जो है यहाँ से नीचे की ओर गिर गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें लाइव दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से। पूरी कोशिश की जा रही है ट्रक को साइड पे खींचने की। पुलिस विभाग और ट्रैफिक विभाग द्वारा लोगों को इस रोड पर क्रॉसिंग ना करने के लिए कहा जा रहा है। लगभग पिछले तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमंडल मोड पर यातायात बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिस तरह से ये ट्रक जो पलटा है बीचों बीच रोड के, उसके चलते ही यहाँ पर जो है यातायात बिल्कुल बंद कर दिया गया है। एक साइड से फिलहाल रोड जो खुला है जम्मू की ओर जो गाड़ी जा रही है बिल्कुल, पर दूसरी ओर जो जम्मू से कठुआ की ओर जाती गाड़ियाँ इस वक्त बिल्कुल बंद कर दी गई है रोड पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग परेशान हैं। फिलहाल जेसीबी पर जो तार लगाई गई थी ट्रक को खींचने के लिए, वह टूट गई है। अब क्रेन से धकेलने की कोशिश की जा रही है ट्रक को। का नंबर PV65 6375 जो कि ये ट्रक का नंबर है। आप देख सकते हैं तस्वीरें बड़ी ब्रह्मणा से प्रमंडल मोड़ पर। बताया जा रहा है कि हम आपको ट्रक के सामने से दुर्दशा बता रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ट्रक बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल ड्राइवर और कंडक्टर फिलहाल वो ठीक हैं, उनको कोई चोट नहीं पहुंची है। ये तस्वीरें राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमंडल मोड़ की हैं, जहां पर तड़के 7-8 बजे के करीब ब्रेक फेल होने के कारण ये ट्रक जो है पलट गया, जो कि श्रीनगर से पंजाब की ओर सेब को लेकर यह ट्रक जा रहा था।
सारी कोशिशें जो नाकाम हो रही हैं इस वक्त ट्रक का इतना वजन है कि जो भी इसको खींचने के लिए जेसीबी द्वारा तारें जो लगाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है, टूट रही हैं। यातायात बिल्कुल बंद है इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग परमंडल मोड़ पर। ट्रैफिक विभाग और पुलिस द्वारा यहां पर लोगों को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी जो है वो गाड़ियां दूसरे रूट से निकाली जा रही हैं वाया बीरपुर, परमंडल मोड़ से बीरपुर की ओर जाता रास्ता, उधर इस समय उस साइड से गाड़ियां जो है वो निकाली जा रही हैं। पंजाब का ये जो ट्रक है PB65 अभी 6375 ट्रक का नंबर है। फिलहाल ट्रक का ड्राइवर जो है वो सुरक्षित है। ट्रक को साइड में करने के लिए पूरी मुशक्कतें किए जा रही हैं, पर जिस तरह से ट्रक का वजन है काफी मुश्किलें आ रही हैं ट्रक को साइड में करने की। इस वक्त देख सकते हैं यातायात इस वक्त बिल्कुल ठप है। लोगों द्वारा, ट्रैफिक द्वारा बताया जा रहा है कि भी गाड़ियां जो है बीरपुर वाया बीरपुर से निकाल लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रक को साइड में लेने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा है। फिलहाल गाड़ियां जो है वो वाया बीरपुर से निकाली जा रही हैं। पिछले लगभग आधे एक घंटे से यहां पर काफ़ी परेशानी जो आ रही है ट्रक को साइड में लेने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी द्वारा ट्रक को जो है खींचा जा रहा है। यहाँ पर यातायात है बिल्कुल ठप है, गाड़ियों का जाम लग चुका है। जिस गाड़ियों को फिलहाल साइड पे करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिस तरह से जेसीबी द्वारा ट्रक को खींचा जा रहा है।
बाड़ी ब्राह्मणा के प्रमंडल मोड़ पर, प्रमंडल मोड़ के पुल पर ये जो हादसा पेश आया है, बाड़ी ब्राह्मणा के प्रमंडल मोड़ पुल पर ये हादसा पेश आया है। ट्रक का वजन ज़्यादा होने के कारण काफ़ी कड़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है। जेसीबी द्वारा, क्रेन द्वारा, आप देख सकते हैं तस्वीरें, साइड में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यातायात इस वक्त बिल्कुल रोक दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हो बड़ी भूना के प्रमंडल मोड़ में, लगभग पिछले एक घंटे से यहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। अभी फिलहाल गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई है। आप देख सकते हैं छोटी जो मोटरसाइकिल गाड़ियाँ थी उनको निकाला गया है, लेकिन अभी फिलहाल बड़ी गाड़ी को रोक दिया गया है। ट्रक को अभी साइड में ले लिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से बाड़ी ब्राह्मणा प्रमंडल मोड़ पुल की तस्वीरें। यहाँ पर सुबह करीब 7-8 बजे के करीब ब्रेक फेल होने के कारण श्रीनगर से पंजाब की ओर जाता ट्रक यहाँ पर पलट गया था, जिससे यातायात में काफ़ी परेशानी आ रही थी। और अभी फिलहाल उसको ट्रैफिक विभाग और पुलिस विभाग द्वारा ट्रक को साइड में ले लिया गया है, जिससे अभी यातायात खोल दिया जाएगा। फिलहाल अभी यातायात यहाँ पर खोल दिया गया है, देख सकते हैं तस्वीरें आप। आपने देखा परमंडल मोड़ पर ये जो हादसा वो पेश आया था। फिलहाल अभी यातायात को खोल दिया गया है। और ज़्यादा सूची के लिए देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।